का भी रिकॉर्डिंग है उधर उस साइड। Classification means it should not come either to botany na la botany la should go to 340 la yahan chalta to fir kahan lagi hui hai sir wo political science mein ek ha aata hai constitution ka isi liye thoda indian constitution udhar kya hai miss karega sir idhar ye preference ye he got confused that there was no reference of no how come that books baki hai sir constitution of india bikam bikam ka hai फिर आपको इश्यू और उसमें करने निकालते जम्मू कश्मीर में Thank you.
उनके पास है सब। ये तो सर वही इसमें वॉइस होगी सुनाई देगा इसमें सर। ये हम रिकॉर्ड के पर्पस से सिर्फ यूज करते हैं। हाँ। फीचर्स ये इसको डिस्प्ले करके रिकॉर्डिंग दे रहे हैं। इट इज रिकॉर्डेड बाय द कैमरा देन इट इज पोस्टेड। नॉइस कैसे हटाते हो सर? ये मशीन है आपके पास? कोई एक रिकॉर्ड करके एडिट करा अभी सर। दैट विल टेक टाइम ना सर। 5 मिनट्स तक का रिकॉर्ड है। 5 मिनट का सर लेक्चर रिकॉर्ड करा के लिए आप बोल रहा करो संदीप भैया आस्क जस्ट यू वांट टू सी द YouTube चैनल YouTube एक्चुअली आई वाज सो है और इसका नहीं था। आज इसका लग रहा है मेरा फेस ही नहीं आ रहा मेरे पॉकेट में। अब बाल बिखरे हुए में आई डोंट थिंक दैट ही क्या मैं हां ये जब कोई रिकॉर्डिंग के लिए जाएगा तो कम से कम कंघी तो करेगा। ये मेरे जैसा होगा तो बाल ऐसे पड़े बोले क्या इसलिए पाउडर सीप है। हाँ, सब है पाउडर सीप। आप कंगा मारो आपकी रिकॉर्डिंग अभी करा देंगे तो उसमें तो पर एवरी लेक्चर एवरी टू मिनट्स फाइव मिनट्स एडवर्टाइजमेंट आर कमिंग। इशू का भी अपने बुक लेके आए सिर्फ ज्यादा लगाओ इसमें डाल दो वो अपने आप रीड कर देगा। खत्म। दिस इज अ मॉडल माइक कौन से यूज करेगा? ठीक है सर। देखो सर मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की तो कमी है, टेबल्स भी नहीं अच्छे। सर ये ड्रिंकिंग वाटर और तो कौन सा लेगा क्या सर? ठीक है सर बेटा पानी दे सर। यहां कौन से लेगा सर? सीधे दिया प्रॉपर्टी या देखो और ये भी कितने लोग आते हैं और ये रेजिस्टेंस 12 15 ये उस पर रूम में लाइन ऐसे आ जाओ आ प्रोफेसर टी हरिचंदन प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यादव एंड प्रोफेसर एंड यू विल बी एस्कॉर्टेड बाय अनदर स्कूल्स नेमली स्कूल ऑफ साइंस स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस स्कूल ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस। सो लेट अस प्रोसीड। लेट्स आई थिंक प्रोसीड।
Who will accompany us this time? Sorry. Yes, sir. रिक्वायरमेंट पर अभी हर चीज में कहते हैं ना सब हमारे तो अगेन वेलकम सर सब बोल रहे हैं कंप्लीट होगा कंप्लीट होगा पहले स्कूल ऑफ एजुकेशन हाँ सर पहले आप कहाँ थे सर? जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल पीजी कॉलेज बाराबंकी में और एम ए पी जी का एक पेपर है सर हमने डेवलप किया हुआ पूरा 60 मिनट्स और बी एड का भी एक पेपर है उस शोरूम का प्रोसेस को कुछ अडॉप्ट करो तुम्हारा बी एड सर अब आपने बता दिया है देखिए हमारा अभी वो कोर्स चल रहा है 1 जनवरी से और बी एड एडमिशन टू दिस कोर्स जी सर क्रेडिट ट्रांसफर ऑल्सो कैन डू दिस बाकी तो सर पेपर्स पब्लिकेशन हो तो सर तो आप बी एड और बी एड स्पेशल के हमारे रिकॉग्नाइज स्टडी सेंटर्स वही है जी वो जो एनसीटी के नॉर्म है कि मोर देन 5 ईयर टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जिस इंस्टीट्यूशन में चल रहा हो वहीं स्टडी सेंटर होगा और 50 सीट्स भी उन्होंने क्लियर डिफाइंड करी है ना प्लस ना माइनस तीसरा हमारा डीजे कॉलेज बड़ौत बागपत में चौथा उपाध्याय डिग्री कॉलेज बड़ौत प्रयागराज हंडिया के पास से बनारस चौधरी तुलसीराम यादव महाविद्यालय ये एक तरीके से हमारा शहर का है अबाउट 20 किलोमीटर डाउन है कृष्ण सुदामा संस्थान बधाकरा कैथी वाराणसी ये गाजीपुर रोड ये लखनऊ में है सर महावीर प्रसाद मेगा महाविद्यालय और ये प्रोफेसर एच एन मिश्रा कॉलेज ऑफ एजुकेशन कानपुर तो वहाँ पे पढ़ते हैं पर एग्जामिनेशन आप देते हो ना सर हम केवल और केवल जो हमारी स्ट्रेटजी है टीचिंग लर्निंग एंड वर्कशॉप एंड ऑल थिंग्स स्टडी सेंटर जो यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है उसके साथ में सारे प्रोग्राम ये तो खाली एक ही कोऑर्डिनेटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन का ही है सर अब उसमें हम लोगों का जो इंटरप्रिटेशन है हम आपको दिखाएंगे जैसे सेंटर की फीडबैक लेना अपने प्रोग्राम का फीडबैक कैंडिडेट से प्रैक्टिकल के लिए यहाँ से यूनिवर्सिटी से एक टीचर हमें पाएंगे जो एग्जामिनेशन का बोर्ड बनता है उसमें 3 रखते हैं एक एक्सटर्नल एक यूनिवर्सिटी टीचर एंड कोऑर्डिनेटर ऑफ स्टडी सेंटर इंटरनल तो एक तो इससे हमको थोड़ा सा पता चलता है बस सैम्पलिंग में हम असाइनमेंट की कॉपी रिकॉर्ड्स की कॉपी उनसे लेते रहते हैं पर एकेडमिक इनपुट्स दे आर नॉट इन दैट वे मटेरियल वगैरह बनाते हैं काउंसलिंग वो करते हैं सर प्लस हमने इस बार एक प्रयोग किया है ना वही करते जो इसका हमको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ या वही करते हैं कि हमने यहाँ हेडक्वार्टर से ही कोऑर्डिनेट करें ऑनलाइन स्पेशल काउंसलिंग करके कोऑर्डिनेट हमने सारे स्टडी सेंटर के बच्चों को एक उस पर लिया क्योंकि इजी था हमारे लिए ऑनलाइन उस पर जैसे ये पोर्टल उससे आपको कन्वीनियंट हो गया होगा पहले इतने नहीं थे पॉपुलर जी जी जैसे जूम पे आप सारे स्टडी सेंटर को एक दिन कर लिया सर वो मैडम यही कर रहे हैं हमारे स्टडी सेंटर का ग्रुप हर स्टडी सेंटर की स्टूडेंट्स का अपना ग्रुप है एलुमनी का ग्रुप है अब हम कोरोना ने से काट दिया है जी नो डाउट तो आपकी क्वेरी स्टूडेंट्स की भी हो ना तो पहले वही वहां से भी बता रही हां और स्टडी सेंटर से भी हां कि भाई खुद की क्वेरीज मान लो अनसॉल्वड क्वेरीज है सर अनसॉल्वड क्वेरीज विल हैव टू बी एड्रेस्ड बाय यू पीपल सर एक्चुअली मैं आपको बताऊं जो रियलिटी है परफॉर्म दिस कैंडिडेट्स की जो प्रॉब्लम आती है हमने सर बी एड मैं बोल रहा हूँ इंडक्शन प्रोग्राम हम करने जाते हैं सर स्टूडेंट होते हैं जी इसमें एजुकेशन में कितने स्टूडेंट होते हैं एट प्रेजेंट अबाउट मोर देन 2,500 जितने प्रोग्राम से वो इसलिए भी है ना इनके इन यूपी यानी इनके वो ऐसा है मैडम इनके बीए एजुकेशन की बात वो इसलिए है कि इनके यहाँ
यूपी में ग्रेजुएशन लेवल पे ऑप्शनल सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस एजुकेशन इंटर कॉलेज में भी है क्योंकि यहीं के ही बच्चे आ जाते हैं अदरवाइज हमारे यूनिवर्सिटी में तो हमारे सिस्टम में हमारे नहीं था पीएचडी कोर्स अरे एक जगह पर हो गया कितना दिन बाद अभी ठीक है चल फुली तो टू मंथ रोड वगैरह तो नहीं डाला डाला है आपके ये वो कौन कौन से एक वो कोई जा जा करके आते हैं वो है अच्छा वो कोई लीड कर देते हैं उसमें हमारे यहाँ आया था तो अच्छा बैंगलोर में साइन लैंग्वेज भी सबको करा दी जस्ट वेट फॉर अप टू 6 months अब चेंजेस आएंगे तो हम उनको अडॉप्ट वी आर जस्ट वेटिंग हर कोर्स का वो एक उस पर कंपाइल है आपका पीजी का जो सिलेबस है जैसे एमए एजुकेशन है ना जी और एमएड का भी है नहीं एमएड नहीं है क्योंकि हमारे पास ओडीएल रेगुलेशन लगेगा तो जब तक हमको डेक के थ्रू नहीं कुछ डायरेक्शन मिलेगा तब तक आप चेंज नहीं कर सकते ये दैट कंडीशन कि अपग्रेडेशन ऑफ कंटेंट का अपग्रेडेशन अलाउड कंटेंट तो कर सकते कंटेंट का अपग्रेडेशन तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि जो यूजीसी नेट में देखो पहले जो आता था वो बदलाव आ गया ना यूजीसी का नेट का तो सिलेबस बदला है कि नहीं only merely having the degree undergoing this distance mode is not going to be, give them any means kind of benefit lekin sir hum hamare bachche kar rahe hain wo ek alag baat aap ye kahenge hamara material develop ho gaya nahi hamara to post lagega bachche hamare kya kar rahe hain sir
वो देखिए कब वो कर रहे हैं तो अपने एफर्ट से कर रहे हैं. व्हाट आर योर एफर्ट्स फॉर देम? हमें भी करना चाहिए. अब कई बार बात करें, इफ बीइंग अ टीचर माय स्टूडेंट क्वालिफाइज, दैट डजंट मीन दैट इट इज एक्सक्लूसिव बिकॉज ऑफ मी. वो अपने आप अपराइट बच्चा तो अपराइट ही रहेगा, परंतु जो वीडियो रिपोर्ट्स और उस समय सर ये सर ये आप लोग मैं बीच में सर पांडे जी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ. अरे सर बात मैंने आप लोगों के यहाँ कोई इंटरनल प्रोविजन है कि यू मीट एंड यू इंटरेक्ट अमंगस्ट योरसेल्फ स्टाफ मेंबर्स? क्योंकि कारण है ना कि जब तक आप लोग नहीं ऐसा कुछ करेंगे प्लेटफॉर्म पे ना तो जो यंग स्टर्स हैं हम सब उनके लिए वो नहीं होगा. इनको डिस्टेंट लर्नर सब विद रिस्पेक्ट आई वांट टू से दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड द वर्क. आई एम जस्ट लीव प्लीज कम एंड डू योर वर्क. अच्छा लग रहा है आपको बताने में कि सर जितनी हमारी यंग फैकल्टी है सर मैं पेपर नहीं लिख रहा हूँ लेकिन उनको पेपर लिखना सिखा रहा हूँ और सर एडिट कर रहा हूँ. ये सर आप किसी फैकल्टी मेंबर से पूछ. इसके अलावा कंटेंट डिस्कशन पर आ गए ना आपको इंटरेस्ट नहीं होगा और ऑनलाइन फुल आउटडेटेड हो जाएगा. सर हमारे पास पैकेज बता दीजिएगा सर को जो आप ऑनलाइन से लेवल से डेवलप किया हम लोग ऑनलाइन ऑनलाइन राइट जो करते हैं ऑनलाइन पर ऑनलाइन डेवलप किया बाकी कुछ लगे आप किस तरह कलर के पढ़ना भी है और फिर उसके बारे में क्या राय है बच्चे को खेल खेल के बारे में? सर मैं फीडबैक इसमें लिखा था ये पूरी अच्छी सीडी है हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया और साथ ही में सर हम लोगों ने एक एमओयू और किया हुआ है कि जैसे एनआईपीपीडी में लाइब्रेरी है उसी तरह की एक्सटेंशन लाइब्रेरी हमारे यहाँ जो भी हमारे दिव्यांग बच्चे हैं वो उनके साथ एक्सेस कर जो भी नीड होगी हम उनके साथ कोलाब्रेशन में करके सारी चीज़ें मेंटेन करते हैं और ये सारी चीज़ें सर. और इसके अलावा भी हम उनके साथ जो एक्सटेंशन की जो उनके शर्तें हैं वो भी हम मानते हैं. ये थोड़ा देख सकते हैं कि इसमें कैसे कैसे वो कहते हैं. जैसे वो कहते हैं कि अगर आपका जो SLM है अगर आप चाहते हैं ऑडियो बुक तो एक जो उनका नॉर्म्स है उसके आधार पर आपको ये भी ऑडियो बुक में हो सकता है. जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको एक्सेस करने की कोशिश करें. हमारा स्पेशल एजुकेशन मुख्य उस पर है कुरुक्षेत्र में प्रोफेसर सुशील कुमार प्रोफेसर संगीता वो दे आर फ्रॉम स्पेशल एजुकेशन वी आई है हमारे यहाँ. वी वर द फर्स्ट रादर द बिगिनर्स वी बी एड स्पेशल एंड बी एड एम एड बी सेम एड स्पेशल इन बी आई कुरुक्षेत्र इन ऑल टाइम्स रादर से वो सीधे ऑनलाइन डेटा उनके पास एड्रेस का लेकिन बी एड बी एड पर्चे कहाँ से सर? सोशियोलॉजी में हमारे यहाँ मैडम थी रिटायर हो गए सबसे ज्यादा है. वो आर्टिकल्स आप जो हैं वो पढ़े हैं.
Sir, I have worked there in Kurukshetra University for 6 years in Department of Political Science. Do you have? Sir, पढ़ाते हैं नहीं बात करते हैं. वो तो काफी तारीफ करते हैं सर. वो तो हम दोनों एक गांव के प्रोफेसर आर एस यादव राजवीर यादव है ना. जी सर जी सर. हम दोनों पॉलिटिकल सर राजवीर यादव इज एन अथॉरिटी. हाँ इंटरेस्ट रिलेशन में बिल्कुल सर. मीडिया फेम का आदमी है राजवीर यादव. वी आर फ्रॉम सेम प्रदेश. अब मैं कहता था मेरा आर एस यादव मत लिख दो. अलग अलग. हाँ वो मैंने कहा वो लिखेंगे आर एस यादव. मैं राजेंद्र यादव पूरा लिखता था इसीलिए मैंने उठाए. मैंने कहा प्रिय पॉलिटिकल साइंस में स्टाफ में प्रोफेसर लीला यादव एक्सपायर्ड. जी सर. अर्लियर प्रोफेसर सरोज मनी नॉट रिटायर्ड है ना. बाद में प्रोफेसर राजवीर थे वैसा के बस. प्रोफेसर अमेरिकस भी हो गए हैं. लार्डन जैन विश्वनाथ वो वाइस चांसलर है ना. डूंगर हमारे यहाँ इन दो पास पेपर दो प्रोफेसर वो डॉक्टर शिवेन जी हैं इंग्लिश में है. असिस्टेंट जो आपने कहा था संविदा क्या लिखा है संविदा पर ये अतुल मिश्रा जी हैं दर्शन शास्त्र में. तो कॉन्ट्रैक्ट वाले लिखते हो लिखते हो तुम लोग आज असिस्टेंट प्रोफेसर भाई जो डिग्री एमए एमए फिलोसफी होगा. हां हैं व्हाट इज योर रिस्पांसिबिलिटी आज टीचर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी. तुमको क्या करने का काम क्या करने का स्टडी मटेरियल स्टडी मटेरियल जैसा कि हम लोग उनसे बात करते हैं उन पे उन पर लेक्चर होता है. लेकिन काउंसलिंग में वो पर्टिकुलर किसी टॉपिक को लेके आते हैं उसके बारे में पूछते हैं फिर क्लासेस के बारे में पेपर्स के बारे में पूछते हैं. सर जो काउंसलिंग में और भी होता है उसका यू कैन डिस्कस अबाउट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट उनका बाद में है कैरियर काउंसलिंग का जैसा. इवन कई बार पर्सनल प्रॉब्लम भी होता है वो भी प्रॉब्लम ऑनलाइन
पढ़ाता है हम लोग काउंसलिंग के दर पर हम लोग स्टडी मटेरियल है सर ये बुक्स हम लोग ने स्टार्ट किए सर हिंदी में हिंदी एक हूँ और सर जो हमारे डायरेक्टर सर हम भी हिंदी से वेट करिएगा सर ये अच्छा बना है क्यों ये अच्छा है थोड़ा है मतलब साथ साथ में टीचिंग भी है हाँ तो वो इधर बोल वही नहीं होता है इसमें चला बंद क्यों हो गया था अच्छा नहीं नहीं वो कोई सर वो डिस्टेंस का था डिस्टेंस सर हम लोग कहाँ सर उतने बच्चा इजली है सर काफी स्क्रीनिंग के बाद बच्चों का है अपने चैनल पे से गुप्ता जी आपने तो रिसेप्शन में जाना था हम लोग वहां आ गए और सर देख लेंगे और क्या क्या है तो आपका एमकॉम के लिए एमकॉम के लिए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अच्छा सब नाम स्टूडेंट्स को सर बुला लेंगे डॉक्टर देवेश संजय त्रिपाठी इज लीडिंग द सेकंड ईयर
हम जो हमारे सेक्शंस हैं उसको आप लिख लेंगे और इसके बाद जो क्वेश्चन हैं मतलब जो इन लोगों से इंटरेक्शन जो भी प्रश्न होंगे उसको हम लोग तो सर जो है अभी मैम से बात किया था, हम लोगों ने 5 मिनट का छोटा सा एक ब्रीफ जो है हम लोग कार करते हैं उसका एक प्रेजेंटेशन बनाया है। उसके बाद जो है मतलब मैं चाहूँगा कि जो भी क्वेरीज होंगी उसको हम देखेंगे और जो भी हमारा डिपार्टमेंट है जो मेरा सेटअप है एक बार आप देख लेंगे तो ठीक है। अभी डिस्टेंट लर्नर्स बिकॉज इन कुरुक्षेत्र आल्सो देयर हैड बीन प्रॉब्लम, दे वर जस्ट कमिंग एंड दे वर सेइंग सम देयर सर्टेन प्रॉब्लम्स कि हमारा रिजल्ट नहीं आया कभी वो आया सेवा बच्चों को हम देना देते हैं सर, पूरी कोशिश की जाती है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अवर डिपार्टमेंट examination department starting from the honorable vice chancellor, controller of examination, then OSD and whole our department वगैरह। this section actually divided into two parts, EDP 1 and EDP 2। जो EDP 2 है उसमें हम एक नए innovation वगैरह कर रहे हैं। दूसरा section है confidential cell, it is also divided into two parts, confidential cell 1 and 2। confidential cell 1 is actually for the preparation of and moderation of question papers, and second confidential cell is for keeping the books strong room, and another one is tabulation where we keep the tabulation, and in strong room we use to keep the small glimpse of the EDP cell. All the workers are employees are working here. This one is our confidential section 1. All the employees are there, and this is the section 2, books keeping work is going on. This is strong room where we used to keep the marks of the student. Question paper bhi isi mein hote hain. Question paper confidential ones are general section where employees are doing their work, different works. This is third degree section. Now a small working of the examination, how the work takes place in examination, and our whole process is divided in three parts. First is प्रयोग है कम से कम 350 के ऊपर पेपर जो है ऑनलाइन मोड में भेजते हैं और वो पासपोर्ट प्रोटेक्शन मेथड से भेजकर परीक्षा कराते हैं। तो काफ़ी फास्ट हमारा काम हो गया, एक दो परीक्षाओं से शुरू किया सर हमने पेपर ऑन दैट डे ओनली। इसलिए जो रिकॉर्ड है ना जो भी जैसे कई बार विद्यार्थियों की डिग्री गुम गई, मार्कशीट गुम गई, तो रिकॉर्ड इवैल्यूएशन ऑफ असाइनमेंट कॉपी टेक्स प्लेस एट द सेंटर्स एंड द परसेंटेज तो है 8-10 कम हो पाते हैं केवल जो है 10 जो। तो अभी इसलिए पहले क्या था कि जो भेजने को है उसको खत्म किया, लेकिन तब मैं डाल लेता हूँ। नहीं नहीं वो हम लोग मंगवाते हैं फिर उनका रिजल्ट अधूरा रहता है, वेबसाइट पे जाता है तो फिर मतलब क्वेरी आती है फिर उनसे वो मंगाया जाता है। आफ्टर द रिजल्ट डिक्लेरेशन वी डिस्प्ले द रिजल्ट ऑन द वेबसाइट एंड वी यूज्ड टू गिव द मार्कशीट बाय टू द स्टूडेंट on the website also, and from the university to different study center as well as to the student to RTA center and to the student and directly to the student also. So this is about the degree and diploma. When we conduct the convocation and those student register themselves, we used to give the
take it to them on the spot when convocation is done. Otherwise, we used to mass mail. By mass mailing, we used to give the degree. And for all session, we used to give the degrees by mailing, mass mailing on the. UP की पूरी स्थिति जो है बड़ा गड़बड़ है. मतलब इसपे मेरे पार्टी ने इसको इस मुहिम चलाया है. हम लोग. Citizen cell. So we are having three counters on this department. First counter is for marksheet and ईमेल में कितना गिवन किया गया होगा उसमें कुछ करने की दिक्कत है. तीन जो है टोल के नए ले लिए गए हैं. जैसे वो टोल के पहले हम लोग ईडीपी से तो अरे आरसीटी सेल से मार्क्स उसको हम वैल्यूएट करवाते हैं. एग्जामिनेशन सेंटर ट्रांसफर व्हेन एवर रिक्वायर्ड स्टूडेंट. मतलब उनका एक पर्टिकुलर वो होता है मतलब मेडिकल बेसिस पे तो वो अपना चेंज करवा दो एंटी. इसका ये एक चार्ट है उसी डेटा का. दिस इज द चार्ट ऑफ दैट data. Now we have conducted 15 convocation from 1 to 15. This is the data. How many degrees we have provided? 21 का. This is the situation. इतने बच्चे पास हुए हैं. इनको degree अभी लेनी है. But अभी वो अगले convocation. अगले convocation. गाड़ी जाती है. गाड़ी जाके जाते हैं. Paper ले जाते हैं. Staff जाके. लेकिन अभी वो लोग जो हैं जो हमारे किसी center से. The program which we used to conduct after completion of every examination, जैसे पाथे and उद्भव के साथ करना पड़ रहा है कि इन लोगों ने डोनेट कर करके ये जो बना है विकासन और ये सब इन लोगों ने अपने अपने पैसे दिए हैं सर. सभी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया और ये जो बना नहीं एक विचार ये थी कभी विकासन. थैंक यू सर. इसको लिए हम लोग नहीं एग्जामिनेशन का तो है काम तो क्योंकि हमारे यहाँ तो पी आर एस कर देते हैं. प्रीवियस रिजल्ट स्टैंड नहीं भाई हमारा कम होता था अभी भी कम करते हैं. नहीं कोई कोई पास हो रहा है और रीइवैल्यूएट करवा दिया तो फेल हो गया तो करेंगे लोग. दूसरे टीचर पे इवैल्यूएटर के पास गया तो वो एक तो कॉन्शियस होके ही देखेगा. जब कई बार ये होता है कि डिफरेंस नहीं आए. कई बार तो टीचर क्या करते हैं कि वो लाइट में भी देखते हैं कोई. मैं देखता था यंग टीचर्स को. हमारे यहाँ पे वो ले लेते थे बल्ब और यूँ देखते या विंडो पे सूरज आ रहा है तो यूं देखते. तो बीइंग ए हेड आई कुड ऑब्जर्व तुम क्या कर रहे हो भाई. अच्छा वैसे पर्पस क्या था. पर्पस ये था मैम जो ये ब्लैक वो लगा देते हैं टेप तो उससे पिछले इवैल्यूएटर का नंबर नहीं दिखता. तो उसमें वो करके वो करता था कितने. तो अब तीन है तो वो साढ़े तीन देता है या तीन देता है. मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ. अच्छा कहीं क्या करते हैं कि बाल बकेट में हम जो ज्योग्राफी मैंने किया ना तो हम वो करते थे उसको ट्रेसिंग. तो लोकल उसमें उन दिनों में क्या करते थे बकेट में आप बल्ब डालो ऊपर शीशा लगाओ. शीशे के ऊपर वो रख दो जो ट्रेस करना है फिर ऊपर मैप वाला वो हम करते थे. कई इवैल्यूएशन में ये भी पता लगा कि बल्ब जला के बकेट में और ऊपर शीशा लगा के देख रहे थे क्या है नंबर. तो मीनिंग देर भाई अब आप उस बच्चे को फेल कर दो. हमारे यहाँ क्या है और भी था इवैल्यूएशन में. कोई बच्चा फेल होता है तो यदि इवैल्यूएशन में एक एग्जामिनर ने पास कर दिया ना तो चाहे फिर वो पास ही. हम कंट्रोल ऑफ एग्जाम आ गए थे सर. टॉपिक ऑफ डिस्कशन वाज दैट व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ योर रीइवैल्यूएशन. तो कंट्रोल साहब कहते हैं हमारे यहाँ तो एक किस्म से वो माना जाता है सर चैलेंज. वन प्लस वन इज इक्वल टू टू. सोशल साइंस में कोई भी शो दे मार्क्स. वी आल्सो डू द सेम थिंग.
We also display on the notice board before the declaration. जैसे हम इंटरनल लगाते हैं वो बोर्ड पे सेम ही डू इट एंड टर्मरी टर्मिन सो टुगेदर नो समबडी हैज सम गिवेंस नो आई हैव बीन गिवन लेस मार्क राज्यपाल महोदय से एक सर्कुलेट हुआ था पूरी जगह उसमें ये था कि माननीय राज्यपाल ने ये कहा था कि भाई पीआरएस उसको एडॉप्ट करने का ये था ना कि एडॉप्ट आप अपने मन से करेंगे हमने जैसे हमको अगर आप तो बीइंग सर होते टीचर तो हम है नहीं तो हमने उस पीड़ा को देखा नहीं मतलब और समझा भी नहीं माना वो जरूर करो देखो स्टूडेंट्स बहुत सेंसिटिव हैं और उसको प्रॉब्लम है एग्जामिनेशन पोर्टल ना ऊपर हो गया और उन्होंने पूरा कर लिया डबल एंट्री सिस्टम मार्क What would be the examination fees? So that you cannot calculate the profit and income and expense. Normally, we only give every semester. That's one way of generating money. But we charge only 100 rupees per paper. But we got the 12 lakh papers per semester. Or it's, मर्सी चांस का प्रोविजन भी वाइस चांसलर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन फॉर मर्सी चांस इफ द स्टूडेंट डज नॉट कंप्लीट द डिग्री विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड एंड बैक ऑन इयर्स ऑन सो देयर आफ्टर देयर कैन बी केसेस ऑफ मर्सी देयर इज प्रोविजन ऑफ प्री रजिस्ट्रेशन आल्सो हां नहीं विदाउट रजिस्ट्रेशन मॉडरेशन मर्सी चांस मॉडरेशन होगा ना 5000 10000 मॉडरेशन 10000 का फीस होगा नंबर वन जी पहले डिपेंड्स अपॉन द उसको इवेलुएट करेगा और भेजेगा रीजनल सेंटर को रीजनल सेंटर उसको ऑनलाइन करेगा हम वहीं से लेते हैं सर डाटा वहीं से लेकर डेटा लेकर प्रोसेसिंग और टाइम वगैरह पोस्टिंग 7-8 सिक्योरिटी फीचर जो है वो डलवाए हैं सर एनक्रिप्टेड क्यूआर कोड भी डाला हुआ है क्या क्यूआर कोड नहीं एनक्रिप्टेड है क्या देखिए दो तरीके क्यूआर क्यूआर कोड अनदर इज एनक्रिप्टेड एनक्रिप्टेड यू नीड अ यूनिवर्सिटी नहीं सर वो नहीं ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट इंडिया अब्रॉड आप कर रही है और स्टेप वाइज आप कर रही है जेनुइननेस वेरिफिकेशन उसको अलग साफ करें और जैसे मेन होले सिग्नेचर ऑफ द वाइस चांसलर इज यूवी ये उसमें सर हां डिग्री का सेमी भाई यूवी मेन वर्ड और मनी ना सर वो जो वेरिफिकेशन पे 500 रुपीस फॉर बारी फॉर वेरिफिकेशन क्या फॉर नीना फॉर बहुत नहीं फ्रॉम अब्रॉड देयर इज नो मनी So only they put the total mark part 1, part 2, part 3 like that.
then give the grading and that. So in that case, every semester master term is chahiye. Then system mein pata chal jayega future mein. रीजन वाइज एवल्यूशन सेंट्रल एवल्यूशन सेंट्रल ओनली ओनली हियर हेड क्वार्टर्स फोर स्टेट का फिर उन लोगों का ना प्रयाण नहीं कॉपी मंगवा लेते हैं तुम कभी मुआवजा करना तुम्हारा पैसा नहीं है बीयू में बुला है मैंने बीसी को भी काटा और साहब को भी देते बोला मेरे ये जितना हरामी करने का नहीं होता मैं सूरत दे दो 120 रुपए दे कहां के सूरत सूरत में पूछा अच्छा मैंने अभी गरीब तो परेशान हो गया मैं नहीं वो पीएचडी थीसिस दे मेरे पास अभी कमीशन ले रहे 120 का पीएचडी का नहीं सर पीएचडी का 120 रुपए अभी ऐसा नहीं है लास्ट वाली जीरो खा गया अरे हो सकता है उड़ीसा वालों का 1200 रुपया है सबको उड़ीसा का 1200 नहीं हाँ हाँ वो उसका 120 है ना साउथ गुजरात ये वल्लभ विद्यालय अच्छा वो अलग है डेवलपमेंट प्रोसेस जो करते हैं हम लोग ये भी वो आपका सॉफ्टवेयर है और आउटसोर्स ही है आपका जो टोटल देखते तो मार्कशीट का और बनो के साथ बड़ा इधर प्रिंट करा के बाहर नहीं करा नहीं करा नहीं करा नहीं करा सर दिस इज मेनू ये है पूरा हमारा सॉफ्टवेयर बना हुआ है यहां से ये सारे डिफरेंट स्टेप्स हैं और ये लास्ट जो स्टेप है यहाँ पे हमारा रिजल्ट पूरा प्रोसेस हो जाता है वो प्रेस के लिए आ जाता है दिस आर रिपोर्ट जनरेट करना या सर ये टेबल चार्ट जनरेट करने का स्टेप में आया पैनल ये उस टाइम तो बड़ा सस्ता था अभी उस टाइम तो 1800 रुपए था तो मैं कहता था कि भैया बारी की काफी चीजें तो मुझे लगा देता है वो कहीं तो था नहीं वो सर ही थोड़ा सा कमी ड्रा हो गई ये प्रिंटिंग ऑफ कर रहा है या ये टेक कर रहा है फर्स्ट टाइम नीचे भी है कुछ इसमें हम लोगों को ये हम लोगों ने जनरेट किया है ये हम लोगों ने अपने से जनरेट किया है आने लग गया कि द रिपोर्ट ऑफ द असोसिएशन नोट भी बोल्ड है अदर्स ने मदर्स ने ये इतना बड़ा है आजकल बहुत कुछ है पत्नी ये हम लोगों ने भी किया है ये आया है और प्रकाश का नेम नहीं किसान पेपर नहीं 800 सीरीज And they did it for 2 years. Yes.
पटी ना और सर ये जून 19 की है, दिसंबर 20 की है, सेशन वाइज बता। अच्छा रजिस्ट्रेशन ब्रांच में भी जो उनका the public daily for transcription giving us verification के लिए हाँ procurement of awards और report एकदम कैसा कंप्यूटराइज बुक बोलना पड़ेगा तभी तो अब पर रिजल्ट भी हाँ हो जाएगा तो बेस्ट हो जाएगा क्या एनी टाइम कितना भी पुराना स्टूडेंट आएगा एवरीथिंग क्या है मार्कशीट देखेंगे सर्टिफिकेट तो बड़ा फटाफट आप ले सकते हैं कंप्यूटर में भी है मेरे पास कंप्यूटर में भी है पता नहीं ऐसा तो उन्हें दिखा नहीं नहीं हमारे है ना यूनिवर्सिटी हैज टू कीप सब जगह है तुमने देखा नहीं होगा तुम डायरेक्टरेट से बाहर कम निकला है ना अच्छा बढ़िया अच्छा आप लोगों का प्लेसमेंट था जी सर ये प्लेसमेंट एक्चुअली मैं ही देखता हूँ सर यहाँ पे तो मतलब क्या एक्टिविटीज क्या होती है एक्टिविटीज जैसे एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर का था बच्चों को जो कोर्स प्रयोग किया है सर उनके हम उनको बता सकते हैं कि हमारे डिस्प्ले में आप जा करके आप अच्छा कर सकते हैं हमें शुरू किया है दूसरा सर कई लोगों से हमने बात किया है काउंसलिंग का करते हैं विच कोर्स टू बी सेलेक्टेड विच शुड नॉट बी बिकॉज दे विल नॉट बी अवेयर किसका डिमांड है क्या है किसका अच्छा डिपेंडिंग अपॉन देयर इंटरेस्ट विच इज द अवेलेबिलिटी ऑफ द कोर्स एंड ऑल कोई मेला कर रही है प्लेसमेंट के लिए जी सर होता है हुआ भी है पिछले दो मतलब के टीम के पहले हुआ है अच्छा एस्टेट ऑफिस ऑफिस नीचे होना चाहिए क्यों और जैसे लकड़ी का या बिल्डिंग से रिलेटेड हुआ या वाटर से रिलेटेड सारे काम और कितना एएमसी अनुरोध मीटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं एएमसी तो सर जैसे हम लोग उसका जैसे गाड़ी का या जिनसे हम लोग और सामान लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट जैसे पेट्रोल पंप वालों से भी एम है जब लोग सालाना उनसे लेते हैं तो उनका पेमेंट करते रहते हैं इसी तरह से ट्रेवल एजेंसी से है कि जैसे कुछ इतनी गाड़ी जरूरत पड़ी वो हमको हायर करके देते हैं फिर पेमेंट होता है पर हमारा तो गाड़ी वगैरह का जन्म ब्रांच देख रहे हैं ये पावर बैकअप है जनरेटर पावर बैकअप जी हाँ पावर बैकअप है हाँ कितना है कैपेसिटी यहाँ पे सर हमारा एक मतलब तीन सेक्टर में हमारा कैंपस है एक ये कैंपस है गंगा परिसर एक यमुना परिसर एक सरस्वती परिसर तो सब में सर अलग अलग जनरेटर है और इन्वर्टर है तो उसी से हमारा काम चल रहा है जी सब तक और सोलर जो भी काम कर रहे हैं सोलर पे सर हम लोग काम कर रहे हैं सोलर पूरा सोलर करने का काम पूरे कैंपस को हम लोग किया जी जी
कितना है वो सोलर का कैपेसिटी सर अब उसकी अलग अलग रेटिंग रखोगे आपके किलो वाट पावर जनरेशन होता है तो सर अभी तो हम लोग अंडर प्रोसेस प्रोग्राम है आपका बता दिया मैडम ने कभी सूचनाएं मिली अभी मिल करते हैं साथ में पास है दो लोगों की तरीके से के लिए एक और लेकिन ऑफिस सेंस नहीं मिल रहा है जो ऑनलाइन ग्रीवेंस है हां जी वो से ये ग्रीवेंस ऑनलाइन ही ट्रांसफर होने चाहिए सेक्शंस को अच्छा या ये ऑफलाइन और ऑफलाइन फॉलो मिलते हैं ऑनलाइन यदि डिपार्टमेंट के लिए कोई आवे ग्रीवेंस जी जी आपका सिस्टम ऐसा होना चाहिए हां जी डिपार्टमेंट वाले को दे देते उसको साहिबा जी हमारे आपके थ्रू नहीं जाए ऑफलाइन नहीं जाए ऑनलाइन चला जाए ऐसा सिस्टम है ये देखिए सर मैं आ रही हूं